कार्तिक शुक्ल पक्ष में सूर्य उपासना के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा के लिए कोरबा नगर और उपनगरीय क्षेत्र में प्राथमिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए घाटों में साफ सफाई कराई जा रही है और उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। ऐसे से शिव मंदिर छठ घाट को इस महापर्व के लिए संवारने का काम जोर शोर से जारी है। भगवान भुवन भास्कर की कृपा प्राप्त करने के लिए छठ पूजा करने का विधान सदियों से चला आया है और इसका निर्वहन हिंदू समाज पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। औद्योगिक जिले कोरबा में छठ पूजा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूर्वांचल के साथ साथ अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग पूरे विधि विधान के साथ इस पूजा में शामिल होते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यह पर्व प्रारंभ होगा और 4 दिन तक चलेगा। महापर्व को लेकर पिछले वर्षों में जिस तरह के अनुभव सामने आए हैं उसे ध्यान में रखते हुए अभी से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शिव मंदिर घाट के पूरे हिस्से की सफाई के बाद अब रंग रोगन किया जा रहा है। भाई छठ पूजा के लेकर चल रही है, दिवाली के 6 दिन के बाद में छठ पूजा प्रारंभ होता है, उसकी तैयारी चल रही है। साफ सफाई लगभग 90% का काम हो चुका है, थोड़ा मोड़ा बचा है। जो कि कितने लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं इस पर्व को लेके? पर्व को लेके यहाँ तो श्रद्धालु जोरों से ज्यादा ही आते हैं, मान के चले कि 500,000 से कम तो नहीं आते हैं, पूरा भरा रहता सब तरफ में। कोरबा नगर के अलावा अनेक स्थानों पर छठ महापर्व के दौरान कई लाख लोग घाटों पर एकत्र होंगे और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर आरोग्य सुख वैभव की मंगल कामना करेंगे। कोरबा से इमानवेल तांडे के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।